वेलकम टू मिस्टर बॉलीवुड। शाहरुख खान आजकल भले ही फिल्मों से दूर हों, मगर वो इस बात को लेकर ट्रेंड में बने रहते हैं कि उन्होंने किस फिल्म को रिजेक्ट किया और किस फिल्म को एक्सेप्ट किया। हालांकि बॉलीवुड के सुपरस्टार होने के नाते ये सब तो आम बातें हैं, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड के उन सक्सेसफुल फिल्मों के बारे में जिसे कि शाहरुख खान ने किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया और बाद में वो फिल्में काफ़ी सक्सेसफुल रहीं। इस वीडियो में हमारे पहले लिस्ट में है साल 2018 की फिल्म पद्मावत। बॉलीवुड के इतिहास की कुछ सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मूवीज़ में एक साल 2018 की फिल्म पद्मावत में रणवीर सिंह वाला रोल सबसे पहले शाहरुख खान को ऑफर हुआ था और अपने करियर में काफ़ी सालों बाद शाहरुख खान फिर से एक नेगेटिव कैरेक्टर में नज़र आने वाले थे। मगर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शाहरुख खान ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स से काफ़ी ज़्यादा पैसों की डिमांड की, जिसे कि प्रोड्यूसर्स अफोर्ड नहीं कर सके और अनफॉर्चुनेटली शाहरुख खान ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है फिल्म एक था टाइगर। ये फिल्म सलमान खान के करियर की कुछ सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक है और यही कारण है कि अब इस फिल्म को एक फ्रेंचाइजी के रूप में बदल दिया गया है, जिसका सेकंड इंस्टॉलमेंट टाइगर जिंदा है साल 2017 को रिलीज हुआ और इसने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस किया। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने इस फिल्म में टाइगर का रोल सबसे पहले शाहरुख खान को ऑफर किया था, मगर अपने बिजी शेड्यूल के कारण शाहरुख खान ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है फिल्म कहो ना प्यार है, जिससे कि आज के सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था और इस फिल्म को खुद ऋतिक के डैड राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था, जो कि 90s के दौरान शाहरुख खान के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके थे और इसलिए उन्होंने फिल्म कहो ना प्यार है के लिए भी शाहरुख खान को ही कंसिडर किया था। मगर ऋतिक रोशन, जो कि अपने डैड की फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे, उन्होंने अपने डैड राकेश रोशन से कहा कि उन्हें इस फिल्म में किसी फ्रेश चेहरे के साथ काम करना चाहिए और इस बात को सुनने के बाद राकेश रोशन ने ऋतिक रोशन को ही इस फिल्म में कास्ट कर लिया। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है फिल्म मुन्ना भाई MBBS। साल 2003 की आइकॉनिक मूवी मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त और अरशद वारसी के करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। इसी फिल्म से थ्री इडियट्स, संजू और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। मगर क्या आप ये जानते हैं कि फिल्म के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने मुन्ना भाई का रोल सबसे पहले शाहरुख खान को ही ऑफर किया था, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से शाहरुख खान ने मुन्ना भाई के रोल को रिजेक्ट कर दिया। इस लिस्ट में पाँचवें नंबर पर है फिल्म रंग दे बसंती। ये फिल्म साल 2006 की एक क्रिटिकली और कॉमर्शियली दोनों रूप से सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसमें कि आमिर खान, सरमन जोशी, आर माधवन, कुणाल कपूर और सुहा अली खान नज़र आए थे और इस फिल्म में शाहरुख खान को आर माधवन वाला रोल ऑफर हुआ था, मगर ये एक सेकंड लीड होने के कारण शाहरुख खान ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। इस लिस्ट में छठे नंबर पर है जोधा अकबर। साल 2008 की इस फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय लीड रोल्स में नज़र आए थे, मगर इस फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ऋतिक रोशन वाले रोल के लिए सबसे पहले शाहरुख खान के पास गए थे, क्योंकि उन्हें स्वदेश फिल्म में शाहरुख खान का परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आया था। लेकिन शाहरुख खान को इस फिल्म के शूटिंग लोकेशन से पसंद नहीं थे, जिस कारण उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया। इस लिस्ट में सातवें नंबर पर है रजनीकांत की फिल्म रोबोट। आप ये जानकर काफ़ी सरप्राइज्ड फील करेंगे कि डायरेक्टर इस शंकर की फिल्म रोबोट में रजनीकांत वाला रोल सबसे पहले शाहरुख खान को ऑफर हुआ था, मगर शाहरुख खान चाहते थे कि इस फिल्म का VFX उनकी VFX कंपनी रेड चिलीज VFX संभाले और फिल्म के स्क्रिप्ट में भी काफ़ी चेंजेस डाले जाएं। मगर फिल्म के डायरेक्टर इस शंकर के ऐसा ना करने की वजह से शाहरुख खान ने फिल्म को छोड़ दिया। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में आठवें नंबर पर है फिल्म लगान। स्वदेश में एक साथ काम करने के बाद आशुतोष गोवारिकर ने शाहरुख खान को साल 2001 की ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लगान में भी आमिर खान वाला रोल ऑफर किया था, मगर शाहरुख खान को ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं थी, जिसके बाद ये रोल आमिर खान के पास चला गया और इनिशियली आमिर खान भी इस फिल्म के स्क्रिप्ट से कुछ खास इंप्रेस्ड नहीं थे, मगर इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में सफलता के नई ऊँचाइयों पर पहुँचा दिया। इस लिस्ट में नौवें नंबर पर है फिल्म थ्री इडियट्स। बॉलीवुड की सबसे महान फिल्म थ्री इडियट्स भी आमिर खान से पहले शाहरुख खान को ही ऑफर हुई थी, मगर डेट इश्यूज होने के कारण इस फिल्म को भी शाहरुख खान ने गवा दिया, जो कि बाद में आमिर खान के पास गया और उन्होंने इस रोल को काफ़ी परफेक्टली प्ले किया
और इस फिल्म को रिजेक्ट करने के लिए शाहरुख खान खुद को चौथा इडियट मानते हैं। हमारे इस लिस्ट में 10वें और आखिरी नंबर पर है फिल्म स्लमडॉग मिलियनर। साल 2008 की ब्रिटिश फिल्म स्लमडॉग मिलियनर, जिसने की कुल 8 एकेडमी अवार्ड्स जीत के एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, उसमें अनिल कपूर वाला रोल सबसे पहले शाहरुख खान को ऑफर हुआ था, मगर उन्होंने इस फिल्म में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और यह फिल्म भी उन्हें गंवाना पड़ा। तो दोस्तों, ये तो थी वो 10 फिल्में जिन्हें कि शाहरुख खान ने जाने अनजाने में गंवा दिया। और अगर जो आपकी कोई फेवरेट फिल्म इन 10 फिल्मों में से एक है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में यह भी कमेंट करके बताएं कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे। हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है।